बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन थुम्मा सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिह तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला अनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हमने गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों में खुद लफ्ज़ इंतज़ार और खुद मुंतज़िर इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ की ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ का जायज़ा लिया, वहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम में जहाँ इंतज़ार की अहमियत है और हकीकी मुंतज़िर के लिए बेपनाह अजर व सवाब का ज़िक्र किया गया है, वहीं पर रिवायात में बकसरत आखिरी ज़माने में मोमिनीन के ईमानी हालत की कभी तस्करा मिलता है जो कि बाज़ औक़ात मायूसी का सबब बनता है कि आखिरी ज़माने में दीनदारी इंतहाई मुश्किल और नापैद हो जाएगी। इस सिलसिले में खुद आखिरी ज़माने में दीनदारी का मुश्किल हो जाना और बहुत सारे लोगों का दीन से गुमराह हो जाना या बहुत से लोगों की नज़रों में दीन की अहमियत ना रहना भी रिवायात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जानेब इशारा करता है। जैसा कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़माने में रिबा आम हो जाएगी, इनके काम रिश्वत से अंजाम पाएंगे, दीन की कोई कदर व मंजिलत ना होगी, जबकि दुनिया इनकी नज़रों में इंतहाई कदर व कीमत वाली होगी। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा जब इनके दिल पलीद हो जाएंगे, इनकी नज़रों में दुनिया की खूबसूरती जलवागर होगी, जो कुछ अजर सवाब खुदा के हाँ है इससे इनका दिल नहीं लगेगा, इनका काम रियाकारी खौफ खुदा इनके दिलों में नहीं होगा, खुदा इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। जब लोगों की नज़रों में दीन की अहमियत नहीं रहेगी तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे हालात में अहले बातिल अहले हक पर गालिब आ जाएंगे, ऐसे हालात में अहले बातिल अहले हक पर गलबा पा लेंगे, बुराइयां और मुनकरात माशरे में खुल्लम खुल्ला अंजाम पाएंगे, किसी को जुरअत ना होगी कि इनसे रोके, और अगर कोई किसी बुराई के करने वाले पर एतराज़ करेगा तो सब उस अहले बातिल की तरफदारी में उठ खड़े होंगे। फासिक रोज़ पर रोज़ नापसंदीदा कामों के इर्तिकाब में गुस्ताख्तर होते जाएंगे और इन्हें इनके इन गुस्ताखियों पर सराहा जाएगा यानी तारीफ़ की जाएगी, जबकि हक के पैरोकार हकीर और जलील हो जाएंगे। ये रिवायात और इसी मज़मून पर मुश्तमिल कसरत से रिवायात आइमाए ताहरीन अलैहिस्सलाम की मौजूद हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम दीन पर अमल करना छोड़ दें या ये कि हम दीन पर अमल करते भी रहें तब भी हमारी कोई अहमियत नहीं होगी? इन अहादीस की मौजूदगी में हमारा फरीज़ा क्या है, हम क्या करें? क्या हमें हाथ पर हाथ धर कर बैठना चाहिए? बहुत सारे लोग जब इन अहादीस का मुतालिया करते हैं तो अक्सर उनके जहन में यही आता है कि शायद फिर हमारे दीन पर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है और हमें हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए और जो होता है होता रहे। क्या हमें हाथ पर हाथ धर के बैठना चाहिए और अपने दीनी अकदार की तरवीज के लिए कोई कोशिश नहीं करना चाहिए है? सिर्फ हम इंतज़ार करें कि कब इमाम आएंगे और कब हालात ठीक होंगे? दर हकीकत ये सोच इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। क्यों? इसलिए अवलन तारीख के किसी भी हिस्से में इस्लाम के अहकाम मुअत्तल नहीं हुए हैं, तकिया बजाते खुद इस बात की रोशन दलील है कि
इस्लामी अहकाम मुअत्तल नहीं हो सकते, मुअत्तल यानी सस्पेंड नहीं हो सकते कि अब ये आर्जी तौर पर रख दिए गए हैं, अब इन पर अमल मुमकिन नहीं है। तकैया बजाते खुद इस बात पर दलील है कि अहकाम इस्लामी तातील बरदार नहीं है। बहरहाल हमेशा जिस भी तरह जैसे भी हालात हों, वो दीन की तालीमात, मोमिन का फरीजा है कि दीन की तालीमात पर अमल करे और उन्हें जिंदा रखे। सानियन आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की रिवायात का एक बकसरत हिस्सा है जो ताकीद करता है और हमें इस तालीम देता है और हमारा फरीजा मुतय्यन करता है कि हम इमाम जमा अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जहूर की राह हमवार करें। क्योंकि जब तक लोगों की फिक्री तरबियत नहीं होगी, जब तक लोग खुद फिक्री तौर पर आमादा नहीं होंगे, इज्तमाही तौर पर लोग आमादा नहीं होंगे, उनमें ये बसीरत पैदा नहीं होगी, खुद ख्वाहिश नहीं करेंगे, खुद ख्वाहिश ना रखते होंगे, और जब तक बा ईमान, बासलाहियत और बहादुर अफराद ना होंगे, तब तक जहूर वाक़े नहीं हो सकता है। लिहाजा दर हकीकत वो रिवायात जो असर गैबत की मुश्किलात और सख्तियों का जिक्र कर रही हैं, वो एक होशियार बाश हैं और ख़बरदार हैं कि हम अपने दीन के मामले में आगाह रहें, अपने दीन के मामले में होशियार रहें। जहाँ पर रिवायात में आखिरी जहाँ रिवायात में आखिर ज़मा में दीन पर अमल करने, दीन की निस के मामले में सख्ती और दुश्वारी का जिक्र है, वहीं पर दीन पर अमल करने वालों के लिए बहुत बड़े अजर व सवाब का भी वादा किया गया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनमें से जो कोई भी तमाम तर सख्ती और मुश्किलात के बावजूद अपने दीन की हिफाजत करेगा, गोया वो ऐसे ही है जैसे खार मुगीलान की तरह को अपने हाथ से इन तमाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनमें से जो कोई भी इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद अपने दीन पर कारबंद रहता है, तो वह ऐसे ही है जैसे खार मुगीलान को अपने हाथ से छील रहा है या दहकते हुए अंगारे को अपने हाथ पे लिए हुए हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गैबत इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लोग तमाम ज़मानों के लोगों से अफसल हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा ने उन्हें ऐसा फहम शऊर अता किया है कि गैबत उनके लिए बमंजलाए शहूद है, यानी वो अपने इमाम से दूर होने के बावजूद भी अपने दीन की निस्बत फहम और शऊर रखते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गैबत इमाम जमा के लोग तमाम ज़मानों के लोगों से अफसल हैं जो उनकी इमामत पर कायम और उनके ज़हूर के लिए मुंतसर हैं। खुदा ने उन्हें ऐसा फहम और शऊर अता किया है कि गैबत उनके लिए बमंजलाए शहूद है। और कुव्वत तशखीस दी है कि गैबत उनके लिए बिल्कुल ज़हूर जैसी है। हक्का कि यही लोग मुखलिस और साहिब इखलास हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, या अली, ईमान और यकीन में सबसे अजीम लोग वो हैं जो आखिरी ज़माने में वाक़े होंगे। इन्होंने पैगम्बर को नहीं देखा होगा और इनका इमाम भी पर्दाए गैबत में होगा, इसके बावजूद वो किताबों में मौजूद उलूम व मारिफ पर ईमान रखते होंगे और अपने ईमान पर साबित कदम होंगे। परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगारा हमें आखिर ज़मा के बेहतरीन लोगों में से करार दे, इमाम ज़मा और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सच्चे शियों में से करार दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।